करेंगे एंजियोप्लास्टी के बाद के लाइफ के बारे में। जब एंजियोप्लास्टी के बारे बाद लोगों की बॉडी में स्टेंट डाल दिया जाता है तो कई तरह के उनके दिमाग में क्वेश्चंस डेवलप होते हैं कि इसके बाद लाइफ वगैरह कैसी होगी, क्या रिस्ट्रिक्शंस है, स्टेंट कितने साल चलता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसे रिप्लेसमेंट की जरूरत है, यानी उस बारे में बेसिकली अब हम बात करेंगे। ज्यादातर ये स्टेंट की लाइफ लाइफ टाइम ही होती है। स्टेंट में अगर कोई भी रीब्लॉकेज आता है तो पहले 6 महीने या साल के अंदर ही आता है, नहीं तो यूजली नहीं आता। ये स्टेंट्स जो है बॉडी को नुकसान नहीं करते हैं, हाँ नली की फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा अफेक्ट कर सकते हैं लेकिन ये लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं करते। पेशेंट को इसके बाद भी दवा कंटिन्यू लेनी पड़ती है, चाहे वो सादा स्टेंट हो या मेडिकेटेड स्टेंट हो। अगर कोई भी कारण से पेशेंट अपनी मेडिसिन को मिस करता है या बंद करता है तो स्टेंट्स में क्लॉटिंग आने का चांस बढ़ जाता है। ज्यादातर ये दवा रिलेटेड क्लॉटिंग होने का चांस पहले 6-8 महीने में ही सबसे ज्यादा रहता है। 6-8 महीने के बाद स्टेंट के ऊपर एंडोथेलियम की लेयर जम जाती है जिसकी वजह से नली के अंदर स्टेंट बैठ जाता है या बस जाता है। उसके बाद उसमें यूजली रीब्लॉकेज नहीं आता, लेकिन अगर रीब्लॉकेज आता है तो पहले 6-8 महीने के अंदर ही सबसे ज्यादा चांस रहता है। पेशेंट्स को इस दौरान दवा बिल्कुल मिस नहीं करनी रहती है, और इस दौरान अगर कोई नॉन कार्डियक सर्जरी भी हो तो एज फार एज पॉसिबल उसको पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि किसी भी कारण से दवा को बंद नहीं किया जा सकता। लॉन्ग टाइम तक अगर नली में स्टेंट हो तो स्टेंट डैमेज नहीं होता, उसे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें कोई बैटरी सिस्टम या ऐसा कुछ नहीं होता जिसे चेंज करने की जरूरत रहती है। डिजोल्व ये स्टेंट अपनी जगह पे ही बैठा रहता है, और डिजोल्वेबल स्टेंट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, पर ये स्टेंट्स डिजोल्वेबल नहीं होते। स्टेंट्स के ऊपर एक पॉलीमर की कोटिंग रहती है, वो कई बार डिजोल्वेबल या बायोडिग्रेडेबल रहती है, यानी जो केमिकल की कोटिंग रहती है वो धीरे धीरे करके घुल जाती है, वो एक अलग क्लासिफिकेशन है। पर स्टेंट का मेटल जो है वो डिजोल्वेबल नहीं आता, ज्यादातर स्टेंट्स मेटल के ही आते हैं, वो लाइफ टाइम ही नलियों के अंदर रहते हैं। 20-30 साल के बाद स्टेंट्स अपनी जगह पे ही रहते हैं, ज्यादातर वो नली को कोई नुकसान नहीं करते, उसके ऊपर एक एंडोथेलियम की लेयर बन जाती है तो एक तरह से नली का पार्ट बन जाते हैं। कल को उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल का नया ब्लॉकेज डेवलप हो जाए तो वो एक सेपरेट ब्लॉकेज की कैटेगरी में आता है, लेकिन स्टेंट रिलेटेड अगर ब्लॉकेज आता है तो पहले 6 महीने में ही आता है। अगर किसी को स्टेंट लगाया जाए तो वो वजन वगैरह उठा सकता है, इससे कोई स्टेंट के मूव करने का चांसेस नहीं है। वो करवट वगैरह भी ले सकता है, वो कोई भी एक्टिविटीज भी कर सकता है, थोड़ा बहुत भारी वजन भी उठा सकता है, उसमें यूजली प्रॉब्लम नहीं आती है। स्टेंट को करने के बाद स्टेंट बेसिकली मेटल होता है, लेकिन फिर भी MRI स्कैन किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो भी मेटल्स यूज होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक नहीं होते और MRI से अफेक्टेड नहीं होते। तो जो पेसमेकर वाले पेशेंट्स को रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं वो स्टेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं है। ज्यादातर स्टेंट्स MRI अगर करें तो नुकसान नहीं करता, स्टेंट जिस साइड पे किया है उस करवट पे आप लेट सकते हैं, दिक्कत नहीं करता। और व्यक्ति को स्टेंट अगर अंदर लगाया है तो ऊपर से महसूस नहीं होता है, ये ऐसी चीज नहीं है वहां पे कि वहां कोई नर्व सप्लाई होती है और पेशेंट को पता चलेगा, वैसा नहीं है। 15-20 किलो तक का अगर वजन पेशेंट उठाए तो चलता है। अब हम बात करेंगे स्टेंट में रीब्लॉकेज के इश्यूज के बारे में। बेसिकली हाँ, स्टेंट में रीब्लॉकेज हो सकता है, जैसा कि हमने बात किया कि 5-7% केसेस में रीब्लॉकेज होता है। रीब्लॉकेज जो है दो तरीके का होता है, एक स्टेंट क्लॉटिंग और एक स्टेंट स्लो रीब्लॉकेज। स्टेंट क्लॉटिंग को हम स्टेंट थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। ज्यादातर ये स्टेंट क्लॉटिंग जो है एंजियोप्लास्टी करने के 24-48 घंटे में सबसे ज्यादा चांस होता है। बेसिकली कुछ टेक्निकल कारणों से भी ये बढ़ता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेंट बेसिकली एक मेटल है, बॉडी उसको एक्सेप्ट करे नहीं करे, साधारण भाषा में एक तरह से कह सकते हैं कि बॉडी का रिएक्शन हो जाए तो भी स्टेंट बंद हो सकता है। तो ज्यादातर ये अगर क्लॉटिंग वाला प्रॉब्लम आता है तो पहले 2-4 दिन में ही आता है, उसके बाद अगर पेशेंट दवा को बंद या मिस करता है तो रीब्लॉकेज क्लॉटिंग आ सकता है, अदरवाइज चांस कंपेरेटिवली कम रहता है पहले 4-5 दिनों के बाद। जो स्लो रीब्लॉकेज है या स्लो रिस्टेनोसिस है वो बेसिकली नली के डैमेज होने की वजह से होता है, यानी नली में जब हम स्टेंट की लेयर डालते हैं तो अंदर की सतह को डैमेज करता है और अंदर एक रूज बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की नलियों में रीब्लॉकेज आ सकता है। ज्यादातर जो भी रीब्लॉकेज आता है वो पहले 6-8 महीने में ही आता है, नहीं तो नहीं आता है। क्लॉटिंग का टाइम यानी कि पहले 4-5 दिन में, रीब्लॉकेज का टाइम पहले 6-8 मंथ्स में। यूजली 1 साल के बाद रीब्लॉकेज का चांस कंपेरेटिवली काफी कम हो जाता है, लेकिन हाँ उसके बाद भी पेशेंट अगर दवा बंद करता है तो कभी कभी रिस्क हो सकता है। ज्यादातर पेशेंट्स को जिनको एंजियोप्लास्टी होती है दवा लाइफ टाइम ही लेनी पड़ती है। स्टेंट वाले सेगमेंट्स में कई बार कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से कुछ सालों में नया ब्लॉकेज डेवलप हो सकता है, वो सेपरेट चीज है, पर यूजली स्टेंट रिलेटेड कोलेस्ट्रॉल रीब्लॉकेज पहले साल में ही होता है। कोलेस्ट्रॉल खाना अगर लोग बंद नहीं करते या डाइट पर रिस्ट्रिक्शन से चेंजेस नहीं करते तो बार बार कोलेस्ट्रॉल उसमें जमा होकर नया ब्लॉकेज हो सकता है। अगर ऐसा रीब्लॉकेज होता है तो उसी जगह पर दोबारा स्टेंट किया जा सकता है, स्टेंट के ऊपर दूसरे स्टेंट को कोट किया जा सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पहले से करे हुए स्टेंट को हम बाहर निकाल सके, वो किसी भी टेक्निक से इवन सर्जरी द्वारा भी बाहर नहीं निकाला जा सकता, उसके ऊपर एक और लेयर या उसके ऊपर एक आध लेयर और भी
कोट किया जाता है। मल्टीपल लेयर्स हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीपल लेयर्स होने से नली के अंदर का लुमेन धीरे धीरे करके कम होने लगता है, तो जगह कम हो जाती है। पर ज्यादातर केसेस में मैक्सिमम दो या तीन लेयर्स में स्टेंट्स को हम कर सकते हैं। ज्यादातर ये रीस्टेनोसिस कई ग्रेड्स में होता है, किसी में बहुत माइल्ड होता है, किसी में थोड़ा ज्यादा, किसी में डिफ्यूज होता है। जितना ग्रेड ऑफ रीस्टेनोसिस है उसके हिसाब से स्टेंट का रीस्टेनोसिस को मैनेज किया जाता है। उसको दोबारा एंजियोप्लास्टी का जरूरत है या बाईपास का जरूरत है या दोबारा कैसे रिजल्ट आएंगे उसको हम प्रिडिक्ट करते हैं। स्टेंट थ्रोम्बोसिस में ज्यादातर लोगों को सडन हार्ट अटैक वाले सिम्टम्स आते हैं, इसमें सडन क्लॉटिंग होती है, सडन हार्ट अटैक के सिम्टम्स आते हैं, घबराहट, पसीना वगैरह होता है। और जबकि जो स्लो ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे करके होता है, इसलिए पेशेंट को चलने फिरने में सांस फूलना, छाती में घबराहट होना और कभी कभी उसमें भी हार्ट अटैक आ सकता है। लेकिन रीस्टेनोसिस में सिम्टम्स स्लो होते हैं, थ्रोम्बोसिस में सडन सिम्टम्स होते हैं और सडन हार्ट अटैक आता है। अगर स्टेंट में हार्ट अटैक आता है तो वो नॉर्मल नली के हार्ट अटैक से थोड़ा ज्यादा डेंजरस माना जाता है, क्योंकि स्टेंट की पूरी लेयर्स में क्लॉट जम जाता है और कई बार इसको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें रिजल्ट्स इवन इंजेक्शन के या एंजियोप्लास्टी के भी कई बार बेटर नहीं आते। और कई बार पहले का अगर स्टेंट किया हुआ है उसमें दो चार दिन के अंदर क्लॉट आ जाए तो कई बार उसको बलून से या इंजेक्शन द्वारा खोला जाता है। और अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो उसके ऊपर एक आध स्टेंट की लेयर और की जा सकती है, जैसे कि अगर स्टेंट के स्ट्रट में कोई डैमेज हो गया हो, फ्रैक्चर हो गया हो, या ऐसा लग रहा हो कि स्टेंट में कोई टेक्निकल इशू है तो उसके ऊपर एक और स्टेंट की और कोटिंग की जा सकती है। नहीं तो कई बार उसको अगर नली में अच्छा फ्लो आ गया हो तो सिर्फ बलून करके भी छोड़ सकते हैं। हाँ, ऐसे केस में दोबारा रीब्लॉकेज या दोबारा क्लॉटिंग आने का चांस कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा रहता है। ये ना हो इसके लिए हम खून पतला करने की स्ट्रांग दवाई देते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा रिस्क तो रहता है। ज्यादातर हमें स्टेंट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आई है वो तब सोचना चाहिए जब व्यक्ति को कोई नया सिम्टम्स हो, खासकर अगर हार्ट अटैक जैसा लगे, सडन घबराहट, पसीना, दुखाव वगैरह तो सोचना चाहिए। या थोड़े टाइम के बाद अगर व्यक्ति को चलने फिरने में सांस फूलने लगे, घबराहट होने लगे, छाती में दर्द होने लगे, छाती में भारीपन लगने लगे, उनका ECG या इको में कुछ चेंजेस आने लगे, या उनके ट्रेडमिल टेस्ट हम करें तब कोई चेंजेस आने लगे, तब हमें एंजियो स्टेंट रिलेटेड रीब्लॉकेज को सस्पेक्ट करना चाहिए। और वैसे केस में अगर ट्रेडमिल में पॉजिटिव फाइंडिंग्स आती है तो हमें एंजियो करके रीचेक करना चाहिए। रूटीन केसेस में हम एंजियो चेक नहीं करते हैं कि स्टेंट चल रहा है कि नहीं, क्योंकि रीब्लॉकेज का चांस कंपेरेटिवली काफी कम होता है। पर जहां स्पेसिफिक केसेस में हमें ऐसा लगता है कि रीब्लॉकेज आ रहा है या पेशेंट को सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम लग रहे हैं तो हमें एंजियो चेक करना चाहिए। ये रीब्लॉकेज के चांस बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्टेड रहता है। ज्यादातर किसी को अगर डायबिटीज हो, लंबे ब्लॉकेजेस हो, पतली नलियां हो, फैली हुई बीमारी हो, कैल्सिफाइड नलियां हो, डिफ्यूज ब्लॉकेजेस हो, वेन ग्राफ्ट में स्टेंट्स हो, इस तरह के इश्यूज जिनको भी होते हैं, या कॉम्प्लेक्स प्लास्टीज हो, उस तरह के केसेस में रीब्लॉकेज का चांस ज्यादा रहता है। सिंपल प्लास्टीज या छोटा मोटा लेजन होगा कंपेरेटिवली रीब्लॉकेज का चांस कम माना जाता है। ज्यादातर जिन लोगों को स्टेंट रिलेटेड प्रॉब्लम आती है उसमें कोई पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि पेशेंट कोई फैमिली हिस्ट्री हो, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज्यादा हो, वजन ज्यादा हो, डायबिटीज, प्रेशर की प्रॉब्लम हो, एडिक्शन हो, इस तरह की चीजें हो, या पेशेंट कभी कभी मेडिसिन मिस करते हैं, जिसे मेडिसिन रिलेटेड फैक्टर्स बोलते हैं कि मेडिसिन असर नहीं कर रही है, मेडिसिन लेना भूल गया, या मेडिसिन खराब कंपनी की या जेनरिक क्वालिटी की ले रहे हैं, वैसे केस में ब्लॉकेज आ सकता है। और तीसरा प्रोसीजर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं कि प्रोसीजर में कुछ स्टेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, लंबे ब्लॉकेजेस हैं, डिफ्यूज डिजीज है, प्रॉपरली प्लास्टी हो नहीं पाई, स्टेंट लगा एंजियोग्राफी में कि अच्छे से एक्सपैंड हो गया है लेकिन प्रॉपरली शायद एक्सपैंड ना हुआ हो, इस तरह के केसेस में रीब्लॉकेजेस होने का चांस कम हो बढ़ जाता है। ज्यादातर ये रीब्लॉकेज के चांसेस में डाइट्स का, हैबिट्स का और एडिक्शन का बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता, हालांकि जितना अच्छा हम मेंटेन करेंगे उतना रीब्लॉकेज का चांस कम हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल रीब्लॉकेज में मेडिसिन का है, लेकिन हाँ, मेडिसिन लेने के बावजूद भी 4-5% में रीब्लॉकेज आ सकता है। अगर मेडिसिन बंद करते हैं तो रिस्क 3-4 गुना बढ़ जाता है। जो लोग अच्छा बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का कंट्रोल करते हैं उससे रीब्लॉकेज का चांस थोड़ा कम हो जाता है। हमने ऑलरेडी बात की रीब्लॉकेज अगर किसी को सिम्टम्स वगैरह हो रहे हैं या अलार्म साइंस मिल रहे हैं या छाती में दर्द, घबराहट, पसीना वगैरह के सिम्टम्स हो रहे हैं तो उन्हें अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर को अगर ECG में कुछ चेंजेस मिलते हैं या इकोकार्डियोग्राफी में चेंजेस मिलते हैं या ट्रेडमिल टेस्ट में कुछ फाइंडिंग्स डिफरेंट मिलती है तो एंजियो करना चाहिए। रूटीन केसेस में स्टेंट चल रहा है कि नहीं वो देखने के लिए एंजियो नहीं किया जाता। रूटीनली एंजियोप्लास्टी के बाद अगर सिम्टम्स ना भी हो तो 6-8 months के बाद एक रूटीन चेक TMT कर लेते हैं। उसके बाद रिपीट TMT हर साल 2 साल में एक बार किया जा सकता है, ये देखने के लिए कि स्टेंट में कोई रीब्लॉकेज तो नहीं है या कोई नया ब्लॉकेज तो डेवलप नहीं हो गया है। पर यह ट्रेडमिल टेस्ट 100% श्योर श्योर तरीका नहीं होता है जानने के लिए, इसमें भी मार्जिन ऑफ एरर लगभग 20% जैसा रहता है, यानी कि ट्रेडमिल पॉजिटिव आए और एंजियो में कुछ ना निकले या ट्रेडमिल नेगेटिव आए और एंजियो में ब्लॉकेज निकले, वैसे 20-30% ऑफ द टाइम्स हो सकता है। 100% श्योर शॉट होने के लिए एंजियोग्राफी ही चाहिए, पर एंजियोग्राफी क्योंकि इन्वेसिव टेस्ट है तो इसलिए हर केस में नहीं किया जाता है।
जहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्लास्टी हो या डिफिकल्ट केस हो, मल्टीपल स्टेंट्स यूज हुए हो या पेशेंट को बहुत ज्यादा सिम्टम्स हो रहे हो, वहां पे एंजियोग्राफी चेक की जाती है। रूटीन केस में एंजियोग्राफी चेक नहीं की जाती है। हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। जिन लोगों के भी स्टेंट्स में अगर रीब्लॉकेज हो रहा हो तो उसमें अगर 60-70 से कम रीब्लॉकेज है तो दवा पे मैनेज किया जाता है। कोई सिम्टम्स अगर पेशेंट को तकलीफ नहीं है तो भी दवा पे मैनेज किया जाता है। जिन लोगों को सिग्निफिकेंट रीब्लॉकेज है या बहुत ज्यादा तकलीफ है या सांस वांस का ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, वैसे केस में वहां पे दोबारा स्टेंट की जरूरत भी पड़ सकती है। जिन लोगों को स्टेंट में सडन क्लॉटिंग हुआ हो वहां पे दवा इंजेक्शन के साथ इसको मैनेज किया जाता है। अगर जरूरत है और कुछ टेक्निकल इश्यूज है तो वहां पे दोबारा स्टेंट की जरूरत भी पड़ सकती है। यूजुअली अगर किसी को एंजियोप्लास्टी होने के 5-10 दिन के बाद अगर तुरंत क्लॉटिंग हो जाए तो स्टेंट्स पे ज्यादा कोई इंश्योरेंस वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए अगर पेशेंट दोबारा प्रोसीजर कराता है तो वो चार्जेबल रहता है। हाँ, हॉस्पिटल उसको कई बार थोड़ा कंसेशनल रेट्स वगैरह पे मैनेज कर सकते हैं डिपेंडिंग कि वो कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, पर अदरवाइज स्टेंट्स पे इंश्योरेंस का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि स्टेंट्स कितने साल चलेगा, क्या कब तकलीफ देगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ज्यादातर जो भी स्टेंट्स को प्रॉब्लम देना होता है वो पहले 6 मंथ्स में ही देते हैं, अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम यूजली नहीं आती। अगर तकलीफ आएगी और दोबारा ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है तो कभी कभार दोबारा खर्चा भी होता है। ज्यादातर कुछ लोग अभी पूछते हैं पेशेंट्स की मेरे रिलेटिव का 4-5 साल पहले प्लास्टी हुआ था, तब उसको स्टेंट इंश्योरेंस के लिए बताया था, अभी क्यों इंश्योरेंस नहीं है। तो एक्चुअल में पहले गवर्नमेंट ने जब से स्टेंट में रेगुलेशन एक्ट वगैरह लॉन्च किया है पिछले 4-5 साल से, तब से स्टेंट इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। उससे पहले जब स्टेंट्स के रेट्स काफी हाई आते थे तब उस टाइम पे स्टेंट इंश्योरेंस मिलता था, कंपनीज वो स्टेंट के इंश्योरेंस के प्रीमियम पे करती थी, तो पेशेंट्स को अगर 1-2 साल के अंदर कोई भी रीब्लॉकेज होता था तो पूरा प्रोसीजर फ्री ऑफ चार्ज किया जाता था क्योंकि कंपनी पे करती थी उसके लिए। पर अभी क्योंकि स्टेंट्स के रेट इतने कम हो गए हैं इसलिए कंपेरेटिवली वैसा कोई इंश्योरेंस सिस्टम आज के डेट में नहीं है। अगर दोबारा प्रोसीजर लगता है तो वो यूजली चार्जेबल होता है, मे बी थोड़ा डिस्काउंट मैनेज किया जा सकता है। अगर किसी को रिपीट प्लास्टी लगती है तो वहां पे दोबारा स्टेंट्स को यूज किया जा सकता है। अगर बहुत ज्यादा डिफ्यूज डिजीज हो या एंजियोप्लास्टी के लिए फीजिबल नहीं हो तो उसमें बाईपास सर्जरी को कर सकते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी वो बाईपास भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि बाईपास के लिए भी सर्जन को कई बार जगह नहीं मिलती, उसको स्टेंट के लेयर को भी कई बार कट करके जगह बनानी पड़ती है, तो कंपेरेटिवली वो थोड़ा सा टेक्निकली चैलेंजिंग भी होता है। और दूसरी बार अगर ऐसी नलियों में स्टेंट हम करते हैं तो रीब्लॉकेज का चांस पहली बार के कंपैरिजन से ज्यादा होता है, यानी फर्स्ट टाइम अगर हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो रीब्लॉकेज का चांस मेडिकेटेड स्टेंट में 5-7% रहता है, लेकिन सेम नली में अगर सेकेंड टाइम स्टेंट करना पड़ता है तो रीब्लॉकेज का चांस 10-15% भी ज्यादा जा सकता है। रीब्लॉकेज ज्यादा ना आए उसके लिए स्पेशलाइज टेक्निक्स यूज करते हैं जैसे इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड या ऑप्टिकल कोएरोस्टोमोग्राफी, जो स्पेशली डिजाइन इमेजिंग कैथेटर्स है जिससे आप नलियों में स्टेंट में क्यों रीब्लॉकेज हुआ और लास्ट टाइम स्टेंट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं था वो असेस करते हैं, नली का एक्चुअल डायमीटर को असेस करते हैं, तो उसमें अगली बार स्टेंट्स में रीब्लॉकेज का चांस थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है स्टेंट्स का साइजिंग ऑपरेटर अपने अंदाज से करता है और कई बार ये अंदाज बहुत गलत भी पड़ सकता है क्योंकि स्टेंट का एक्चुअल साइज 2 या 3 मिलीमीटर होता है। अब 2 मिलीमीटर और 3 मिलीमीटर बहुत कम डिफरेंस होता है और स्टेंट्स की दुनिया में अगर 0.1 mm का भी डिफरेंस हो जाए या 0.2 mm का भी डिफरेंस हो जाए तो उसे स्टेंट को अंडर एक्सपेंडेड माना जाता है और उसमें रीब्लॉकेज का चांस कई गुना बढ़ जाता है। तो 0.1 mm टेक्निकली बहुत कम होता है, तो ऐसी चीजों को फैसिलिटेट करने के लिए आप इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड या OCT यूज करते हैं जिसमें हमें वेसल का एग्जैक्ट डायमीटर मिल जाता है, तो हम स्टेंट को कितना हाई एक्सपैंड करना है वो सब चीजों को बेटर असेस कर सकते हैं और दोबारा रीब्लॉकेज का चांस कम किया जा सकता है।